हेलो फ्रेंड, खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने होस्टिंग और डोमेन को जो है ज्वाइन कर सकते हैं, यानी लिंक कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, अगर आपने उसको अलग अलग परचेज किया है या आप फ्री होस्टिंग यूज कर रहे हैं और आपने डोमेन परचेज किया है, तो उनको एक दूसरे से लिंक कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर फ्री में जो डोमेन आप ले सकते हैं उस पर भी वीडियो बनाई हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और फ्री होस्टिंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं उस पर भी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो वो भी आप देख सकते हैं अगर आप फ्री में यूज़ करना चाहते हैं लर्निंग पर्पस के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने यहाँ पर ये फ्री जो है डोमेन यूज़ करने वाला हूँ, और इसी तरह यहाँ पर मैं ये फ्री मैंने होस्टिंग भी यहाँ पर ली हुई है, तो मैं यहाँ पर इसको फ्री होस्टिंग के साथ अटैच करूँगा अपने डोमेन को। तो ये कैसे करेंगे, आपने सबसे पहले क्या काम करना है, आपने यहाँ पर जो आपकी होस्टिंग प्रोवाइडर है आपने वहाँ आना है, और आपने वेबसाइट मैनेज में देखना है कि यहाँ पर आपको कोई डोमेन मैनेजर या फिर पार्क डोमेन इस तरह का कोई आपको मिलेगा यहाँ पर टूल, तो आपने उस पर क्लिक कर देना है। जैसे कि यहाँ पर डोमेन मैनेजर है तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप रजिस्टर भी कर सकते हैं, अपना डोमेन ट्रांसफर भी कर सकते हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि होस्ट आ डोमेन कई जगह पे लिखा होगा पार्क डोमेन या पॉइंट डोमेन, और यहाँ पर लिखा है होस्ट डोमेन। तो अगर आपके पास अपना डोमेन है तो आप यहाँ से वो डोमेन लिख सकते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर तीन डोमेन है जिनमें से मैं एक यहाँ पर यूज करूंगा, तो मैं यहाँ पर फिलहाल ये वाला यूज कर लेता हूँ, tanumubarak.tk। और यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो फ्रेंड ये देखें, ये एडिट हो चुका है हमारी लिस्ट में, हमारा जो डोमेन है। अब मुझे क्या करना है, मुझे जो इसका नेम सर्वर है वो जाकर अपने ये देखें, ये बता रहा है कि आपने अब जो है अपने जो डीएनएस सर्वर है जहाँ पर आपका डोमेन है वहाँ पर आपने ये दोनों चीज़ें कॉपी पेस्ट करके डालनी है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये चीज़ जो है आपके डोमेन में होगी, अब डोमेन का पार्ट है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और अपने डोमेन वाली साइट पे चले जाते हैं। यहाँ पर देखें तो, और मैं यहाँ पर मैनेज डोमेन पे क्लिक कर देता हूँ, और अब आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेम सर्वर ने आपने यहाँ पर मैनेज टूल में आ जाना है, मैनेज टूल, और यहाँ पर कस्टम आपने नेम सर्वर डालना है। अब तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ये पहला वाला, और इसी तरह ये दूसरा वाला, किसी के दो होते हैं किसी के चार होंगे, तो आपने जितने भी होंगे वो यहाँ पर डाल देने, और मैं यहाँ पर इसको नेम चेंज कर देता हूँ चेंज सर्वर पे, और ये सेटिंग इसकी जो है सेव हो चुकी है। इसमें थोड़ा फ्रेंड टाइम लगता है, लेकिन ये हो जाता है थोड़े, मतलब 72 घंटे तक लेता है ये। ठीक है फ्रेंड, अभी ये यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा, मैं आपको इसको कॉपी पेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो ये अभी तकरीबन इसमें 72 घंटे लगेंगे इसको नेम सर्वर को चेंज करने में। तो ये वैसे ये इसका बेसिक सा काम है, ये यही काम इसमें करना पड़ता है, और आपको और 72 घंटे के बाद ये आपका जो है डोमेन जो है इसके साथ अटैच हो जाता है आपकी होस्टिंग के साथ। तो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को लाजमी प्रेस करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।